ये आपका LDC कलर का जो एयरफोर्स छः ग्रुप का है, ये वो फॉर्म है। ये इस फॉर्म के साथ 2 पेज आएंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं कैसे क्या भरते हैं। जैसे कि पहली वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो ये वाला है अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, इसमें LDC लोअर डिवीजन कलर्क भरना है। और जो यूनिट में हमने आपको बताया था कि सिविलियन रिक्वायरमेंट बोर्ड भरना है, और यहाँ पर आप अपना एडवर्टाइजमेंट नंबर लिख सकते हैं, पोस्ट अप्लाइड फॉर LDC, यहाँ पर आपको दोबारा लिखना है। जो आपको नाम है वो बड़े अक्षरों में लिखना है, आपके फादर का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालनी है। और जो आप एडवर्टाइजमेंट जब पब्लिश हुई थी या फिर जो अब तक आप कितने साल के, कितने महीने और कितने दिन के हैं, वो इसमें आपको यहाँ पर मेंशन करना है। यहाँ पर आपको फोटो लगानी है और वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, सेल्फ अटेस्ट करनी। और ये आपका एड्रेस है, तो ये इसमें आपका हाउस नंबर, स्ट्रीट, विलेज। अगर आपका विलेज का पोस्ट ऑफिस है तो यहाँ पर आप पोस्ट ऑफिस ना लिखें, जो आपका गांव का नाम है वो ही लिखें। पोस्ट ऑफिस इसमें आप अपने गांव का नाम दोबारा डाल सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी है वो लिखें। स्टेट जैसे कि हरियाणा हो गया, महेंद्र जो भी, और जो आपके डिस्ट्रिक्ट का जो आपका पिन कोड है वो डालें। परमानेंट एड्रेस आपका वो ही है, तो आप इसको दोबारा फिलअप तो करना ही पड़ेगा। इसमें आपका अपना गांव, इसमें आपके जो पोस्ट ऑफिस, इसमें आपका जिला, इसमें आपका स्टेट, और इसमें आपका पिन कोड। अब आगे है कास्ट। इसमें देखिए लिख रखे हैं कि अटैच सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट इन केस ऑफ SC ST OBC। तो आप अगर SC के हैं तो इसमें SC लिखें, या फिर इसमें आप शेड्यूल कास्ट भी लिख सकते हैं, शेड्यूल ट्राइब भी लिख सकते हैं, जो आपके हैं वो लिखें। इसमें अब आगे बात करें तो इसमें दे रखा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो इसमें आप जो 12वीं मांग रखे हैं तो इसमें आपको 12वीं लिखना है, 12th लिखना है, और इसकी और वो सेल्फ अटेस्ट होनी चाहिए जब आप वो फोटोकॉपी लगाएं तो। और एनी अदर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, जैसे कि इसमें तो 12th मांग रखे हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो इसमें आप वो भी डाल सकते हैं। और इसमें अगर एजुकेशन वाले में और भी कुछ मांग रखे हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं, जैसे कि किसी के पास कंप्यूटर कोर्स है, टाइपिंग स्किल की सर्टिफिकेट है, तो इसमें आप वो भी लगा सकते हैं। आगे है इसमें कैटेगरी फॉर विच अप्लाइड। इसमें आप देखिए जनरल, SC ST, कौन सी कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें आपको लिखना होगा SC या फिर OBC या फिर जनरल, क्योंकि EWS और बाकी की तो कोई है ही नहीं। तो इसमें आगे बात करें टेक्निकल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कोई टेक्निकल एक्सपीरियंस है तो इसमें आप वो भी डाल सकते हैं, जैसे किसी को कंप्यूटर ठीक करना आता है, उसकी कोई सर्टिफिकेट है, तो आप वो भी लगा सकते हैं। डोमोसाइल, आप कौन से स्टेट के हैं वो डोमोसाइल लिखनी है, कि आप अगर हरियाणा के तो इसमें हरियाणा लिखना है। आगे है वेदर रजिस्टर्ड विद एनी एम्प्लॉयड एक्सचेंज, यस नो, क्या आपने कोई भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज किया है जो रजिस्टर्ड हो। अगर मेंशन रजिस्टर्ड उन्होंने, अगर जैसे कि आप, मैंने बताया था कि अगर आपका किसी रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज है तो उसका पंजीकरण लिखना है, या आपका डिक्लेरेशन फॉर्म है, आई हेयरबाय सर्टिफाई दैट मैं यह प्रमाणित करता हूँ पर्टिकुलर मेंशन इन दिस एप्लीकेशन, जो भी मैंने इस एप्लीकेशन में मेंशन किया है आर करेक्ट एंड ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मेरी नॉलेज में वो सब कुछ ठीक है। ई पर्टिकुलर मेंशन बाई मी आर फाउंड फॉल्स, अगर मेरे द्वारा दिया गया कोई भी प्रमाण झूठा है एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पर, देन आई शैल बी लीवेबल टू ट्रिब्यूनल विदाउट एनी नोटिस, तो मुझे वहीं पर बर्खास्त कर दिया जाए बिना किसी सूचना के। और इसमें आपका सिग्नेचर होगा, और यहाँ पर आपको अपनी डेट मेंशन करनी है कि आपने कौन सी डेट को फॉर्म फिलअप किया।
तो आगे अब अगला हमारा दूसरा पेज है। दूसरा पेज इसमें ऑफिशियल यूज है, तो इसमें तो हमें कुछ बनना ही नहीं है। और ये एक्नॉलेजमेंट कार्ड है, यहाँ पर आपको अपनी फोटो लगानी है और वो भी सेल्फ अटेस्ट करनी है। और यहाँ पर आपको अपना नाम, फादर नेम, आपको अपना एड्रेस खुद ही भरना है, और जो ये इंडेक्स नंबर है, जो ये फिजिकल, ये आपको नहीं भरने। और यहाँ पर भी आपको कोई सिग्नेचर नहीं करना है कि आप कभी अपन सिग्नेचर कर दें, यहाँ पर कोई सिग्नेचर नहीं करना है। आपको बस यहाँ पर अपना एड्रेस फिलअप करना है, और यहाँ पर आपका अपना नाम, फादर नेम, और यहाँ पर आपको अपनी फोटो पेस्ट करना जरूरी है, और उसको सेल्फ टेस्टेड करनी करनी है। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, तो डॉक्यूमेंट ये हैं कि आपको एक तो अपना लिफाफा लगाना है, वो भी खाली, और उस पर 10 रुपए का डाक टिकट लगा हो, और उस पर आप जो लिफाफा है उस पर अपना पूरा एड्रेस मेंशन होना चाहिए। और इसमें आपको अपनी क्वालिफिकेशन, जैसे 12th है तो 12th की फोटोकॉपी, और बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अगर किसी के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो वो 10th की सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। 10th, 12th, बर्थ सर्टिफिकेट, और जो आप जिस स्टेट के हैं तो उस स्टेट की डोमोसाइल लगा सकते हैं, आप किस जिस कास्ट के हैं उस कास्ट की सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, और अगर आपके पास कोई और एक्सपीरियंस है तो वो भी आपको लगाना चाहिए। और इसमें अगर आपका किसी रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज है तो उसका पंजीकरण जरूर करवाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। अगर आपको जानना है कि इसमें कितनी पोस्ट हैं और कितना पे स्केल है, तो हमारी पीछे वाली वीडियो में हमने इसके बारे में बताया है, तो एक बार वो जरूर देख लें। धन्यवाद।